मेधा पाटकर एवं अन्य 11 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर के विरोध में आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़वानी कोतवाली में जाकर टीएस को दिया ज्ञापन। 13 करोड़ से अधिक की राशि की धोखाधड़ी के मामले में मेधा पाटकर सहित अन्य 11 लोगों के खिलाफ बड़वानी कोतवाली में बीते कुछ दिन पहले एक एफआईआर हुई थी। इसी एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में झंडा बैनर लेकर बड़वानी कोतवाली थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। एफआईआर निरस्त करने की मांग रखी। ज्ञापन में बताया गया है कि नर्मदा नवनिर्माण के द्वारा नर्मदा के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा का कार्य किया जा रहा है। 1992 से भगोरिया बात यह है कि 9 जुलाई को एक एफआईआर हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर और उनके विश्वस्तों के ऊपर कि 13.5 करोड़ रुपए के गबन का जो आरोप लगा है, हम उसी के खिलाफ यहाँ आ जाए हैं कि वो झूठा आरोप है और उसको वो एफआईआर निरस्त होनी चाहिए। जो जीवनशाला के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उस जीवनशालाओं के नाम पर उन्होंने एक रुपये लेकर के देश विरोधी कार्यों में पैसा लगा रहे हैं, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन पिछले 37 सालों से चलता है और एक एक हक अधिकार के लिए डूब प्रभावितों के लिए लड़ा है। उसमें किसान मजदूर मछुआरे सारे और देश भर में कहीं भी इस तरह के संघर्ष होते हैं वहाँ पर जाकर मेधा पाटकर जी और आंदोलन खड़ा रहता है और उससे लोगों को लाभ ही मिला है, नुकसान नहीं हुआ है। तो आज जो हम आए हैं यहाँ ये एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर आए हैं कि ये आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता लोग आए थे जिन्होंने ज्ञापन दिया गया। उन्होंने मांग की गई कि जो हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है उसको निरस्त की जाए एवं कार्रवाई जल्दी हमको कार्रवाई से अवगत करा। विवेचना में है, जो विवेचना में पाया जाएगा उस आधार। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।